आप लोग इन्जॉय तो कर रहे होंगे कि मैं एक्सरसाइज कैसे कर रहा हूँ। मुझे इस टाइम जो है स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट जो है वर्कआउट तो करना ही है। और अपनी सेकंड एक्सरसाइज का जो है 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आजकल तो मौसम इतना अच्छा हुआ है, बारिश वगैरह हो रही है और आजकल इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे जो है वो सर्दियों का मौसम होता है। तो मैं जो है वो अभी उठा हूँ और जो है वो मैंने फेस वॉश वगैरह किया है और वेट जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया हुआ था, बढ़ गया हुआ है, और उस पर जो है वो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं जो है वो घर में वर्कआउट कैसे करता हूँ और जो है वो वर्कआउट पर कितना टाइम लगता है। और अभी जो है वो मैं ब्रेकफास्ट करने लगा हूँ, फिर जो है फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर काम शाम जाते हैं, देखते हैं। मैं जो है वो फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, शावर वगैरह ले लिया है और वेलकम बैक तो हो गया आप लोगों का। अगर अभी तक आप लोगों ने मलिक अहमद व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा लें, और इंतज़ार जो है वो मत किया करें। आप लोगों को पता है कि इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है मज़ीद आने वाली हैं और पहले भी आ चुकी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अभी जो है वो मैं काम जा रहा हूँ और तो मैंने सोचा कि जो है वो मौसम बड़ा कमाल का है तो सुबह सुबह ही जो है वो अपने काम को निपटा लिया जाए और उसके बाद जो है वो शाम को आके जो है वर्कआउट भी करना है। और हमारे जो है वॉशरूम का कमोड खराब हुआ हुआ है तो प्लम्बर को भी बुलाना है और लीकेज काफी ज्यादा हो रही है, तो ये छोटे छोटे काम करते हैं आज। फिर तो भाई परफ्यूम शर्फ्यूम भी मैंने कहा लगा लें, अभी बाहर शायद जाना है तो परफ्यूम तो जो है ना वो जरूरी होता है, उसके बिना तो जो है ना आपका दिन अच्छा गुजरता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त, ठीक हो? क्या कर रहे हो? माल लोड करवा रहा हूं। क्या ये तो आया नहीं समी भाई? नहीं आए भाई, कब तक आएंगे? चलो ठीक है। तो फाइनली जो है वो मैंने जहाँ काम जाना था मैं वहाँ पे आ गया हूँ, और लेकिन जिससे मैंने मिलना था वो बंदा अवेलेबल नहीं है, तो अभी जो है उसका वेट करते हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है लेकिन मौसम जो है वो अच्छा है। बैंक आया हुआ हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे, काफ़ी दिनों से बैंक चक्कर नहीं लग रहा था, तो अभी जो है वो मैंने आज सोचा कि टाइमली जो है ना इस काम को भी कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है ना कलेक्ट कर ही लेता हूँ। तो मैं जो अभी ऑफिस आ गया हूँ, सुबह जो काम करने गया था वो काम भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दोपहर में तो गर्मी नहीं थी लेकिन अभी जो है वो 4 बज गए हैं और अभी जो है वो गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो अभी जो है मैं थोड़े ऑफिस के काम शाम करने हैं, तो अभी जो है मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैंने कहा थोड़े काम शाम कर लें और उसके बाद जो है फिर काम शाम कंप्लीट करने के बाद जो है घर चलते हैं। और भाई जान कल से जो है वर्कआउट स्टार्ट किया हुआ है और वेट जो है वो लूज़ करना है और टारगेट जो है वो अचीव करना है, और अभी फिर ऑफिस से फ्री होकर घर जाएंगे और फिर वर्कआउट करेंगे। तो अभी जो है वो दफ्तर शफ्तर से आ गए हैं वापस, तो जो है वो फिर आजकल जो है डाइट प्लान चल रहा है, खाना शाना खाने का तो इतना कोई मूड शूड नहीं होता। तो अभी जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वर्कआउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वर्कआउट जो है घर पे वर्कआउट कैसे होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जाया जाए, कार्डियो एक्सरसाइजेज जो है वो घर पे भी हो सकती, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि घर पे एक्सरसाइज कैसे होती है और मैं जो है वेट लॉस कैसे करूँगा। अभी जो है वो एक्सरसाइज का टाइम है, घर में एक्सरसाइज जो है वो कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो फैट कैसे बर्न कर रहे हैं। तो जो है हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो है अपनी जो लेग्स हैं जितनी इजीली ओपन कर सकते हैं उतनी कर लेनी है। एक आपने हैंड जो है वो ऐसे रख लेना है, एक स्ट्रेट किया आपने हैंड अपना और फिर आपने ले के जाना है इसको नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैं अब इसके 10 रेपिटेशन करूँगा, 3 सेट इसके लगाऊँगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकेंड का रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट करूंगा। अब मैं लेफ्ट वाला करूंगा और राइट वाला हैंड जो अपने लव हैंडल्स पर रखूंगा, 1, 3, 4, इससे सारा प्रेशर जो है आपके बैली पे पड़ता है, 5,
तो ये वाली एक्सरसाइज तो हो गई है कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर टू है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, हमारा फेस जो ऐसे होगा और एक मैंने जो है वो लेग जो है एक ऐसे कर लेनी है, एक ऐसे, और जो मैंने स्ट्रेच की है उसको जो है वो मैंने आगे लेके जाना है ऐसे, फिर उसको मैंने पीछे लेके आना है, फिर मैंने उसको थोड़ा उठाना है, फिर मैंने उसको पीछे लेके आना है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये एक साइड कंप्लीट होगी और दूसरी साइड से भी अभी जो आपको दिखाता हूँ ऐसे ही करेंगे। मैं दीवार के साथ हो जाता हूँ, सपोर्ट भी ले लेता हूँ दीवार की, वन टू थ्री। आप लोग एंजॉय तो कर रहे होंगे कि मैं एक्सरसाइज कैसे कर रहा हूँ, मुझे इस टाइम जो है स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट जो है वर्कआउट तो करना ही है। और अपनी सेकंड एक्सरसाइज का जो है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये वाली एक्सरसाइज भी जो है कम्प्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज करते हुए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पसीना आ रहा है, और फैट बर्न करने के लिए आप लोगों को पता है कि मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है वो एक दिन के अंदर 10 से 15 या 20 मिनट नहीं दे सकते तो फिर जो है हम अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें जो है वर्कआउट लाजमी करना चाहिए, और वर्कआउट करेंगे तो फिर ही जो है वो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ आप जो है वो फैट जो है आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा होएगा कि आप लोग जो है बीमार हो जाएंगे। तो जैसे ही मुझे फील हुआ कि जो है एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वर्कआउट की ज़रूरत है, तो मैंने जो है वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक्सरसाइज नंबर थ्री में आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। रनिंग करनी है मैंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। एक्सरसाइज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, वर्कआउट करना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, लग पता जाता है यार मत बच गई है। तो गाइस वर्कआउट जो है वो हो गया है, और पसीना इतना ज़्यादा, इतनी जो है वो थकावट हो गई है ना वर्कआउट करने के बाद। तो अभी जो है वो शावर वगैरह लेते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं। आफ्टर वर्कआउट जो है वो शावर लेने का मज़ा ही अपना है। तो शावर लिया है तो सुकून आ गया है, अभी जो है वो कुछ खा पी लेते हैं, सोच रहा हूँ कि दलिया खाता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो सोने की तैयारी करते हैं। मेरी तो पोस्ट वर्कआउट जो मील वो है वो बन गई है, मैं दलिया खाने लगा हूँ और बड़ा जो है वो टेस्टी लग रहा है। और मेरी यही रूटीन है कि मैं ब्रेकफास्ट में भी यही लेता हूँ और आफ्टर वर्कआउट जो है जो मेरा मील होता है यही होता है। आजकल रूटीन मैंने बनाई हुई है, रात को जो है वो कोई ना कोई सीरियल देख लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे। तो अभी जो है वो तेरे बिन जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मे बी इसका एंड होने वाला हो, तो आजकल जो है वो तेरे बिन जो है वो फिर आज जो है इसका न्यू एपिसोड आया है तो इसको फिर देख रहा हूँ। आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मलिक अहमद व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल लाइक नहीं दबाए तो दबा लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।